हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए। सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर आईएएस ऑफिसर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चे आप बहुत अच्छे होंगे, राइट। आज का सेशन मुझे लगता है इस नंबर सिस्टम के अंदर अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। दिस सेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। वेरी गुड बुद्धा वैस, जैनब अंसारी, निशा सिंह, सैयद जुमरा, राधिका राठौर, वेरी गुड, गीता भारद्वाज, अंजलि हुई, अंजलि, पंकज कुमार, नीरज कुमार, ओके, नितिन, अमीषा पटेल, वेरी गुड, पूजा, पल्लवी, प्रियदर्शी, सोनम, रेखा राजघर, माया वर्मा, ज्योति शर्मा, प्रदीप फ्यूचर आईएएस, गरिमा सिंह, लड्डू, संदीप सिंह, वेरी गुड। आराम से चिपक के बैठ जाओ सभी लोग। मैं अभी कहना चाह रहा हूँ आप सभी से, ये जो सेशन है सभी लोग सेशंस को, नंबर सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि मैं आपको इस नंबर सिस्टम है, राइट, मैं आपको इस नंबर जिस पर मैं बोल रहा था नोट्स बनाने के लोग कॉपी दो, राइट, है ना, मैं आपको बोल रहा था कि इस नंबर सिस्टम में, राइट, है ना, मैं आज आपको डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम को डिस्कस करूंगा, राइट, डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम को डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर यूपीएससी या चाहे कोई भी एग्जाम अगर क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम से आपको मिनिमम 5 क्वेश्चंस एवरी ईयर आपको दिखते ही दिखते हैं, राइट। इस नोट्स के लिए कितने के पास को नोटबुक है, कॉपी है, क्वेश्चन? सभी लोग सेशंस को एक बार लाइक कर दे, शेयर कर दे माय डियर फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग सेशंस को लाइक और शेयर सभी लोग कर दे। कमॉन 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 टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, कमॉन सभी लोगों को, कमॉन मेरे प्यारे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे क्लास में लाइव हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे क्लास में लाइव हो चुके हैं, वेरी गुड। चिपक के बैठ जाओ, सबके पास नोटबुक होना चाहिए। आज के सेशंस के बाद आपका सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया, वो कंप्लीट आपका चेंज हो जाएगा। दैट विल बी कंप्लीट चेंजिंग, राइट। तो नोटबुक सबके पास होना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, राइट। आई एम अवंतिका, वेरी गुड, राइट। तो इतने सारे बच्चे हैं जो सिलेक्टेड हैं अनअकैडमी में, और आज 17 जून है जिसका अंतिम दिन है, राइट, है इस ऑफर का अंतिम दिन है। 50% ऑफ ऑन योर यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन, ज्वाइन आरंभ एडमिशन 2026 बैचेज। अगर आप 2024 किसका टारगेट है 2024, और आप में से किसका टारगेट है 2026 और 2025, अपने अपने अकॉर्डिंग आज सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बाय यूजिंग माय रेफरल कोड SKS10, जहाँ पे आपको मेरे साथ आपको 50+ सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको पढ़ाएंगे। जैसे मैं साइंस का CSAT का एक्सपर्ट हूँ तो CSAT मैं पढ़ाऊँगा, कोई ज्योग्राफी का एक्सपर्ट है तो दे विल टीच यू ज्योग्राफी। इफ़ एनीवन हु इज एक्सपर्ट इन हिस्ट्री दे विल टीच यू हिस्ट्री, राइट। पॉलिटी एक्सपर्ट जो पॉलिटी आपको पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से जो यूपीएससी का जो नज़रिया है, जो सोचने का जो अप्रोच है, वो सारी के सारी चीज़ें आप सभी को दिख जाएगा, वो सारी के सारी चीज़ें आप सभी को दिखती चली जाएंगी, ओके। एंड माय डियर फ्रेंड, दिस इज आरंभ 1 ईयर एनिमेशन 2026 3 इयर्स आईएएस बैचेज। आप इस बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं, आज इसका लास्ट डेट है बाय यूजिंग माय रेफरल कोड SKS10, राइट। इस सभी एजुकेटर्स की टीम मेरे साथ आपको क्लास लेते हुए दिखाई देंगे। अनअकैडमी यूपीएससी प्रॉमिस ऑन क्रैकिंग, अगर आप इंटरव्यू तक पहुँच जाते हो तो आपको फ्री रिफंड हो जाएगा। मेंस क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम, इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका हो गया, एक 2 बैच, एक आरंभ बैचेज है, एक लक्ष्य बैचेज है फॉर द हिंदी मीडियम, 2 बैचेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। आरंभ बैचेज है जो बायलिंगुअल है, लक्ष्य बैचेज जो है वो आपका प्योरली दैट इज फॉर हिंदी मीडियम। सभी लोग सेशंस को लाइक कर दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें क्लासिफिकेशन जैसे कि रेशनल नंबर को कैसे आप इरेशनल नंबर से कंपेयर करोगे, रेशनल इरेशनल क्या है, राइट। तो अपने आप में ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल आप 20 मिनट्स स्टार्टिंग का आप देखें, आपको खुद ब खुद रियलाइज हो जाएगा कि हमारी जो क्लास का जो लेवल है, राइट, हमारी जो क्लास का जो लेवल है, आखिर हम कहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हम क्या सोचना चाह रहे हैं, हम कहाँ क्या सोचने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें कहाँ है। इज इट क्लियर? यस या नो? तो चलें, क्या सभी लोग, आप सभी लोग रेडी हैं? आर यू रेडी टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स? यस यस यस। सभी लोग सेशंस को लाइक कर दिए। सर मैं पहली बार आई हूँ इस क्लास में, कोई बात नहीं बेटा, पहली बार है। बाकी आपका जो भी ऑप्शनल है, ऑप्शनल के बैचेज स्टार्ट्स हो चुके हैं। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्वेरी कर रहे थे कि सर क्लास की टाइमिंग क्या है, राइट, कितने ऐसे बच्चे हैं they want to the class timing, right? So this is your class timing, right? This session is going to presented by me. मेरा नाम संजय कुमार शाह है. आप जैसे बच्चे मुझे प्यार से एसएसएम सर के नाम से जानते हैं. 9 साल से अधिक का अनुभव है इस यूपीएससी के फील्ड में और आईआईटी दिल्ली से पास आउट हूँ. लगभग दिल्ली के बहुत सारे कोचिंग सेंटर से पढ़ाने के बाद अभी मैं अनअकैडमी के साथ एज ए टॉप एंड वन ऑफ द वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी एंड 1 लाख+ स्पैनिंग कैंडिडेट्स एंड यूपीएससी इन वेरियस स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन. 700 से अधिक सिलेक्शन है फ्रॉम माई गाइडेंस प्रोग्राम. आप भी मेरे कोड को यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं. एंड आई एम द स्पेशल फैकल्टी ऑफ सीसैट एंड साइंस टेक, राइट? टॉप एंड वन ऑफ द वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी. चलिए ठीक है, ये डेली क्लास का शेड्यूल है. प्लीज़ टेक योर स्क्रीन शॉट, प्लीज़ टेक योर स्क्रीन शॉट, राइट? कैसे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. इस्लामिक गर्ल सब प्ले लिस्ट में वीडियो डाल दो. प्ले लिस्ट में वीडियो नहीं डाला हुआ है क्या? ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है. आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, राइट? 11 AM में आपका यूट्यूब पे है, राइट? है ना? जो सर ये यूट्यूब नहीं, यहाँ पे अनअकैडमी का ऐप होगा. यहाँ पे अनअकैडमी का ऐप होगा, अनअकैडमी का ऐप होगा सुबह 11 बजे, राइट? सुबह, राइट, 3:15 बजे जो मैं अभी यूट्यूब पे आ रहा हूँ. ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे, राइट? 3:15 बजे आपके मंडे, वेडनेसडे, यानी कि ये क्लास डेली. कभी ये यूट्यूब पे भी हो सकता है, राइट? 11 PM में आपका यूट्यूब इंग्लिश चैनल, रात को 11:30 बजे अनअकैडमी के ऐप पे, राइट? है ना? ये आपका डेली क्लास का शेड्यूल है. चलिए शुरुआत करें. व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर? क्या बनना चाहते, किसका क्या ड्रीम है? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस. सर मुझे पीडीएफ नहीं मिला. किसको किसको पीडीएफ नहीं मिला? आप आराम से चिपक के बैठे, राइट? जिसको जिसको पीडीएफ नहीं मिला वो प्लीज़ चिपक के बैठे रहिए, राइट? प्लीज़ चिपक के बैठे रहिए, ओके? अगर आपको पीडीएफ नहीं मिला तो आप आराम से बैठे रहिए, आराम से बैठे रहिए, राइट? देखो ठीक है, चलो चलिए देखिए, ध्यान से देखिए. आज ये सेशन अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट? मैं पढ़ा रहा हूँ संख्या पद्धति का विकास, राइट? संख्या पद्धति का विकास. इंग्लिश में मीडियम के बच्चे डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम, या ऐसे कह सकते हैं संख्या पद्धति का वर्गीकरण. इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, हम इसको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं. हम इसको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम भी कर सकते हैं, राइट? है ना? राइट, क्लासिफिकेशन नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं, ओके? सभी लोग टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना. आज के क्लास करने के बाद इस क्लास की पीडीएफ अभी जस्ट टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा. जो टेलीग्राम है आपका सीसैट बाय संजय कुमार शाह, सीसैट बाय संजय कुमार शाह, ओके? आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए. संख्या पद्धति का विकास या संख्या पद्धति का वर्गीकरण. सबसे पहले बात मेरे प्यारे बच्चे, इसको समझने के लिए मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, आप इसको समझे अच्छे तरीके से, राइट? बेसिकली एक इसमें होता है आपका रियल नंबर. रियल नंबर की अगर बात करें, रियल नंबर की बात करें तो हम इसको कहते हैं वास्तविक संख्या. आराम से लिखें, वास्तविक संख्या, राइट? एक नंबर होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों लिखेंगे, राइट? एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर. दिख रहा है सबको? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, राइट? एक होता है इसमें इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या. एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम जटिल संख्या कहते हैं, जिसको हम जटिल संख्या कहते हैं. एक बात फिर से सुनो, एक बात फिर से. कितने बच्चे यहाँ पे हिंदी मीडियम के हैं जिसका टारगेट 2025 है? आराम से समझो, आराम से देखो. अभी आप मुझे केवल और केवल 20 मिनट्स दो. 20 मिनट्स में जो यूपीएससी चाहती है आप खुद ब खुद समझ में आ जाएगा. आपका पैटर्न फिक्स हो जाएगा, आखिर मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ. मेरे प्यारे बच्चे, अगर जो भी बच्चा यहाँ पे हिंदी मीडियम का है, उनको थोड़ी बहुत हेल्प जो है इंग्लिश से जरूर लेनी पड़ेगी. H4 हिंदी, H4 हेल्प, H4 हिंदी, H4 हेल्प. हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ी बहुत इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर से, इंग्लिश मीडियम से हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि मैं प्योरली हिंदी में रहूँगा, ऐसा नहीं है, राइट? यूपीएससी का पैटर्न धीरे धीरे बदलता जा रहा है, राइट। सर मुझे 2025 में एग्जाम देना है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, ध्यान से समझो। अब आपकी रियल नंबर क्या है, देखो रियल नंबर हम किसको कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल नंबर। देखो रियल नंबर हम उसको कहते हैं, रियल नंबर हम उसको कहते हैं जिसको हम संख्या रेखा पर, राइट, रियल लाइन संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं, या जिसको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, जिसको हम किस पे, नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, जिसको हम नंबर लाइन पर शो हम कर सकते हैं। कैसे, देखो देखो, जैसे कि आपने देखा होगा नंबर लाइन का मतलब, इसका मतलब हुआ जिसको आप ग्राफ पेपर पर लिख सकते हो। ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, जैसे ग्राफ पेपर पर एक लाइन ऐसे होता है, इस तरीके का लाइन होता है, राइट, इधर 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, इधर 4 होता है, इधर 5 होता है, डैश इधर इन्फिनिटी होता है, फिर इधर -1 होता है, इधर -2 होता है, इधर -3 होता है, इधर -4 होता है। इस ऐसे लाइन पर जितनी भी संख्या होगी, यानी इस वाले जिसको आप नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर आप लिख सकते हो, वो आपका रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या होती है। एक लाइन में आप समझिए, एक लाइन में समझिए, हाँ, एक लाइन में समझिए। पर सर इंग्लिश नहीं आती है, मेरे और इंग्लिश टीचर भी नहीं मिल रहे हैं, सुनीता दुबे मिल जाएगा, इंग्लिश का भी क्लास लॉन्च करूँगा। किसको इंग्लिश चाहिए, राइट, जिसको इंग्लिश चाहिए है ना, इंग्लिश का भी क्लास मैं एक लॉन्च जरूर करूँगा। मैं चाहूँगा कि आपके लिए 100 आवर्स आपको फ्री में आपको इंग्लिश पढ़ा सकूँ, ताकि इतना आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर दूँ, समझा दूँ, ताकि चाहे आप द हिंदू का चाहे जो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, आप इसको समझ सकें, और दूसरी बात जो आपका एक इंग्लिश एक पेपर होता है, क्वालिफाइंग इंग्लिश एक पेपर होगा मेंस में क्वालिफाइंग, आप उसको क्रैक कर सके, आप उसको समझ सके। इज इट क्लियर? तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, राइट। इसके लिए जो बच्चा जो मेरे व्हाट्सअप पे, कमेंट सेक्शन व्हाट्सअप पे इंग्लिश करके मैसेज कर दें, या तो टेलीग्राम में इंग्लिश करके, इस टेलीग्राम लिंक को केवल ज्वाइन कर लो, CSAT बाई संजय कुमार शाह, CSAT बाई संजय कुमार शाह, 10,000 के आसपास बच्चे इसमें हैं, आज ही सर्च करके ज्वाइन कर लेना, CSAT बाई संजय कुमार शाह, मेरा लेटेस्ट पोस्ट देख करके आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चल खैर कोई बात नहीं, ये बात सुन। इमेजिनरी नंबर देखो, इमेजिनरी नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको आप संख्या रेखा पर शो नहीं कर सकते, जिसको आप नंबर लाइन पर, जिसको आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, जिसको आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। देखो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझिए, मैं इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, देखो मेरे प्यारे बच्चे, देखो ध्यान से देखो, मैं थोड़ा आगे बता दूँ। ये देखो, जैसे कि मान लो √1 है, √1 का मतलब 1 होगा, √2 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, राइट, √3 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, √4 का मतलब 2 कुछ होगा, √5 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, राइट। आप मुझे बताओ, मैं आपसे समथिंग एक बात कहना चाह रहा हूँ, आराम से सभी लोग देखें, सभी लोग देखो, ध्यान से देखो सभी। सर कितने बजे से शुरू होता है ये क्लास मेरे प्यारे बच्चे? थैंक यू सर, यूट्यूब पर वीडियो। हाँ, ये क्लास जो है ना रेगुलर शुरू होता है 3:30 बजे, राइट, आज है क्लास, है ना, बस ध्यान से रखिएगा, राइट, 3:30 बजे। कल क्लास नहीं होगी, फिर से सुनो, कल ये क्लास नहीं होगी, राइट, कल संडे है, संडे को ऑफ रहेगी, इस बार संडे को क्लास नहीं होगी यहाँ पर। फिर आपकी क्लास हो सकता है मंडे को, आपकी क्लास यहाँ पे हो सकती है, मंडे को क्लास आपकी यहाँ पर हो सकती है, ये ध्यान रखना, राइट, मंडे को क्लास आपकी हो सकती है, या मंडे को नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या कुछ भी हो जाए, ये क्लास ट्यूजडे, थर्सडे और सैटरडे, 3 दिन तो क्लास यहाँ पर होगी ही होगी, ये ध्यान रखना, 3 दिन क्लास। अगर कोई भी दिन क्लास नहीं होती तो आगे पीछे हो जाएगा। देखो इस गैंग को √1 की वैल्यू, √2, √3, √4, √5 इसकी वैल्यू जो है आप नंबर लाइन पर लिख सकते हो, राइट, है ना, आप नंबर लाइन पर लिख सकते हो, राइट। जैसे देखो, जैसे ये है, ये 1 है और ये 2 है, 1 तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो यहाँ आएगा 1.2, 1.3, 1.4, तो ये आप संख्या रेखा पर लिख सकते हो। लेकिन ध्यान से देखिए, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि √-1 को बताओ, √-2 की वैल्यू बताओ, √-4 की वैल्यू बताओ, √-9, क्या आप √-9 को कुछ लिख सकते हो? क्या आप क्या आप √-9 की वैल्यू लिख सकते हो? क्या आप बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि अंडर रूट -1, अंडर रूट के अंदर -1 तो होता ही नहीं, राइट। अंडर रूट -2 तो लिख ही नहीं सकते, अंडर रूट -4 लिख सकते। तो एक बात मैं बताता हूँ, अंडर रूट -1 को जो है हम आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आई से डिनोट करते हैं, जिसको हम IOTA कहते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको एडवांस पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो यूपीएससी के सिलेबस में, यूपीएससी के सिलेबस में तो लिखा है कि हम उसको बोलो, आवाज़ ज़्यादा आ रहा है, बोलो। सिलेबस में तो 10th तक का लिखा हुआ है, लेकिन पूछा गया था इस बार 11-12 से, देखा ना, IIT लेवल का क्वेश्चन पूछा था, कैट लेवल का क्वेश्चन पूछा था, यस या नो। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा सा आपका लेवल इंक्रीज करो, राइट, इंक्रीज करो, राइट। तो अंडर रूट -2 की वैल्यू भी नहीं आपको पता चलेगा, राइट। अंडर रूट 4 की वैल्यू, अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होगा? 4 की वैल्यू क्या लिखोगे? इसको लिखोगे अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 4, और -1 की वैल्यू आयोटा, 4 की वैल्यू 2, इसका मतलब क्या आएगा? 2 आयोटा, राइट। यानी ऐसी वैल्यू जो अंडर रूट के अंदर माइनस के साथ हो, वो आपका इमेजिनरी लाइन पे होगा। इसको आप इमेजिन कर सकते हो, बस इसको आप शो नहीं कर सकते हो, इसको आप शो नहीं कर सकते। इसका मतलब जैसे अंडर रूट -4 तो 2 आयोटा हो गया, अंडर रूट -9 3 आयोटा हो गया, और आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 होता है, आयोटा का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू 1 होता है, -1 होता है, और आयोटा की पावर 4 करोगे तो आंसर 1 होगा। इसको थोड़ा लिख लो सभी लोग, आयोटा की वैल्यू -1 होता है, इसको स्क्वायर करोगे तो -1 होगा, स्क्वायर को स्क्वायर करोगे तो आयोटा की पावर 4, 4 की वैल्यू 1 होगा। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा संख्या है जो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को मिला करके होता है, जो रियल नंबर प्लस में, राइट, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक रेखा दोनों को मिला करके कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। बेसिकली ये आप जब 11-12 किसके पास मैथ्स था, किसके पास साइंस था, किसने PCM पढ़ी हुई है, किसने मैथ्स पढ़ा हुआ है 11-12 में, आप लोगों का ग्रुप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। सोनम वेरी गुड, शिवम सिंह 2024 में सर इंग्लिश बैच कब स्टार्ट होगा? किरण स्टार्ट्स है ऑलरेडी। नवीन यादव सर ये रूल क्लास 11th का, यस। सलोनी देवी राइट। अंजलि वर्मा वेरी गुड, वेरी गुड। शांध्या तिवारी वेरी गुड। हाउ मेनी ऑफ यू, राइट, जिन्होंने 11-12 में पढ़ा उसको पता हो रियल नंबर है। इसको हम बेसिकली हम डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं जेड से। किससे? जेड से। इसको हम लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी। ए जो है ना ये रियल नंबर है, राइट, ये आयोटा बी जो है ना ये आपका इमेजिनरी नंबर, राइट, ये आपका इमेजिनरी नंबर है, राइट। ए प्लस आयोटा बी या एक्स प्लस आयोटा वाई, राइट, या पी प्लस आयोटा क्यू, इस तरीके से लिखा रहेगा, इस तरीके से लिखा रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसको थोड़ा नोट डाउन कर लो। अब देखो मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट। नेहा थोड़ा ध्यान, मैं इसमें इसको नोट डाउन करो, सबने नोट डाउन कर लिया। अब मैं आपको यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ, आपको बताना कौन सा रियल नंबर है, कौन सा इमेजिनरी नंबर है, और कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। सभी लोग सेशंस को लाइक कर दीजिए, सभी लोग सेशंस को लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, CSAT बाय संजय कुमार शाह SHAH, जैसे जैसे मैंने लिखा वैसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। CSAT स्पेस बाय स्पेस संजय स्पेस कुमार कुमार स्पेस शाह SHAH, उसको ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, राइट। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। देखो अब देखो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राइट राइट, आपको बताना है, राइट है ना, आपको बताना है, राइट है ना, आपको बताना है, राइट राइट, यू कैन टेल मी, राइट। देखो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, देखते हो यहाँ पे मैंने लिखा कि 9.111, ये बताना, राइट है ना, अंडर रूट में माइनस का 25, राइट है ना, 3 प्लस 9 आयोटा, राइट राइट, C प्लस आयोटा D, राइट राइट, ये राइट, माइनस का 10, राइट, माइनस का 20.87। बताओ बताओ कौन सा रियल नंबर है, कौन सा इमेजिनरी नंबर है, राइट 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 राइट। ये 1 का 1 2 3 4 5 6 और ये है 7, नंबरिंग करके बताओ फर्स्ट का कौन सा नंबर है। फर्स्ट का देखो रियल नंबर के लिए आप R डिनोट करना, इमेजिनरी नंबर के ये, और कौन सा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के आप C डिनोट करना। फर्स्ट RIC में से बताओ, फर्स्ट RIC में से बताओ, क्या हुआ, क्या हो गया, क्या होगा सर? ABC ऑप्शन है 1 2 3 बताओ। 1 फर्स्ट का R है या I है या C है। R फॉर रियल, E फॉर इमेजिनरी, C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, राइट, कमेंट सेक्शन में कमेंट। -25 इमेज ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। 8 में आप मुझे बताओ अंडर रूट में माइनस का 100, 9 का अंडर रूट माइनस का 100.123, 10 E 11 पाई। बताओ आराम से बताओ। फर्स्ट नंबर आर, सभी लोग वेरी गुड वेरी गुड। शिवानी सक्सेना बहुत अच्छा, देखो देखो ये जो है 9 पॉइंट समथिंग, ये आपका रियल है। -2 अंडर रूट के अंदर -12, ये आपका इमेजिनरी हो गया है। 3+ ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया, ये भी आपका देखो रियल भी है और इमेजिनरी भी है, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स हो गया, ये आपका रियल हो गया। -10 ये भी आपका रियल हो गया। -20 पॉइंट समथिंग ये भी आपका रियल हो गया, राइट। ये आपका इमेजिनरी हो गया, ये आपका इमेजिनरी हो गया। ई की वैल्यू समथिंग होती है, ये आपका रियल हो गया। पाई की वैल्यू समथिंग होती है, ये आपका रियल हो गया, ये आपका रियल हो गया। ठीक है, आई होप मुझे लग रहा है कि आप सभी बच्चे को ये सारा का सारा क्वेश्चन, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, राइट, इफ़ यू ऑल आर रियली अंडरस्टैंड देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन SKS10। अदरवाइज अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे SP शाह कोड को कमेंट करें, राइट, क्योंकि ध्यान रखना SKS10 कोड की ऐसी है माया जिन्होंने गांव के बच्चों को भी है सिलेक्शन की शूट है पहनाया। आपको मेहनत करना है, राइट। ओह वेरी गुड 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 वेरी गुड, मेरे बच्चे समझ में आ रहा है, ओके। इज इट क्लियर? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाउ कैन यू श्योर? पाई की वैल्यू आर है, आर मतलब रियल मेरे बच्चे, राइट। आर की वैल्यू यहाँ पे रियल होता है मेरे प्यारे बच्चे, रियल। आपको नहीं, अभी बताता हूँ आपको। रियल नंबर को भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। रियल नंबर को भी फर्दर हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, राइट, अभी आपको टेंशन नहीं लेना है मेरे प्यारे फ्यूचर IAS ऑफिसर, ओके ओके। तुमने गलत इसको नोट डाउन किया क्या? ठीक है, क्लियर क्लियर। अब आपको बात समझ ली। सेशन को सब लोग लाइक कर दिया। देखो अब देखो, मैं आपको समझाता हूँ आगे। देखो अब देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, राइट, है ना। ये चीज़ अब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें ये पढ़ना है, बस इसका बेसिक्स नॉलेज चाहिए। हमें पढ़ना है रियल नंबर को डिटेल में, हमें पढ़ना है रियल नंबर को डिटेल में। देखो रियल नंबर, अब लिखो यहाँ पर वास्तविक संख्या। इसको गेट को क्लोज कर दो, हेलो, गेट को क्लोज कर दो। रियल नंबर यानी कि आपका वास्तविक संख्या, रियल नंबर वास्तविक संख्या, ये डिटेल में पढ़ना है। ध्यान से रखो, ध्यान से रखो। तो भाई ये जो रियल नंबर है, रियल नंबर को हम डेसिमल यानी कि हम लोग दशमलव, राइट, एक हम लोग इसको इंटीजर यानी कि हम लोग पूर्णांक में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट, है ना। ये जो आपका अब सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से, राइट, डेसिमल है, राइट, है ना। इस डेसिमल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, राइट। एक तो है आपका टर्मिनेट नंबर, टर्मिनेट डेसिमल, जिसको हम हिंदी में शांत दशमलव कहते हैं, राइट राइट। एक तो है आपका ये है, राइट, ओके। एक होता है आपका नॉन टर्मिनेट, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों में इसको हिंदी में ले देता हूँ, इंग्लिश से बोल दूंगा, राइट। इसको मैं इंग्लिश से बोल दूंगा, राइट, है ना। अशांत, अशांत आवृत्ति दशमलव, और एक होता है अशांत अनावृत्ति दशमलव। इंग्लिश में लिखिए नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, राइट, नॉन टर्मिनेट रेकरिंग डेसिमल, राइट। और इसमें होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल, राइट, नॉन टर्मिनेशन नेट नॉन रेकरिंग डेसिमल। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हो इंग्लिश में भी लिख लें, ठीक है। अब सुनो, शांत दशमलव, शांत मतलब टर्मिनेट, इंग्लिश में वर्ड है टर्मिनेट, राइट। टर्मिनेट, शांत का मतलब जो सीधा स्टॉप हो जाए, राइट, जिस जो स्टॉप हो जाए, जो सीधा खत्म हो जाए। जैसे देखो, जैसे 2.1 1 के बाद स्टॉप हो गया, 1.275 स्टॉप हो गया, 12.32 2 के बाद स्टॉप हो गया, राइट, 8.567 ये स्टॉप हो गया, राइट, है ना, 1.001 स्टॉप हो गया, 2.37589 स्टॉप हो गया, राइट। तो ये पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं अगर स्टॉप हो जाता है, यानी टर्मिनेट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, जो शांत हो जाता है वो आपका शांत दशमलव कहलाता है, वो आपका शांत दशमलव कहलाता है, राइट, ओके। इज इट क्लियर? ये आपका है, राइट। और शांत आवृत्ति यानी कि नॉन टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट रेकरिंग डेसिमल, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लो, नॉन टर्मिनेट रेकरिंग डेसिमल, राइट, नॉन टर्मिनेट रेकरिंग डेसिमल, ओके, नॉन टर्मिनेट रेकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेट रेकरिंग डेसिमल। बेटा नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब कि अशांत, अशांत मतलब शांत नहीं होगा, चलता रहेगा, लेकिन रेकरिंग रहेगा। रेकरिंग का मतलब आवृत्ति का मतलब, जिसको हम रेकरिंग आवृत्ति का मतलब किसको कहते हैं, देखो आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब बताता हूँ, देखो आवृत्ति का मतलब होता है जैसे जैसे कि 1.3333333 ऐसे चलता रहेगा आवृत्ति, इसको हम क्या कह सकते हैं, 1.3 के ऊपर बार, जैसे 2.3636363 कैसे लिखोगे, 2.36 के ऊपर बार, राइट, ये वो चीज़ है, ये आएगा आपका जैसे 1.333333333, इसको आप लास्ट में 1.3 के ऊपर बार लिख सकते हो, राइट, जैसे 2.161616 2.16 के ऊपर बार कर सकते हो, जैसे 3.1722222222 तो 3.17 और 2 रिपीटेशन हो रहा है, तो 2 क्या, यानी इसमें जो है ना, इसमें जो है, इसमें संख्या जो है ना रिपीट करेगी, क्या करेगी, बार बार रिपीट करेगी, राइट, बार बार आपकी रिपीट करेगी, यानी बार बार बदलता जाएगा, ओके। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है, राइट, है ना। जैसे आप मुझे बताओ, जैसे ये रहा 1.272727, ये आपका यूपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी, इसको आप कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 1.27 के ऊपर बार, राइट, ये बात समझ में आ रही है। अब ये देखो अशांत, अशांत मतलब कि बिल्कुल नॉन टर्मिनेट, लेकिन अनावृत्ति, अनावर्ती का मतलब स्टॉप नहीं होगा, वो चलता जाएगा, चलता जाएगा, यानी कि बदलेगा। जैसे देखो, जैसे 2.13 और 1313 नहीं होगा, 3 के बाद कोई नया नंबर 2, 2 के बाद कोई नया नंबर 5, 5 के बाद कोई नया नंबर 6, 6 के बाद कोई नया नंबर 7, 7 के बाद कोई नया नंबर 8, 8 के बाद कोई नया नंबर 1, 1 के बाद कोई नया नंबर 2, 2 के बाद कोई नया नंबर 5, 5 के बाद कोई नया नंबर 4, 4 के बाद कोई नया नंबर 9, 9 के बाद कोई नया नंबर 0, 0 के बाद कोई नया नंबर 1, ऐसे ही चलता जाएगा। यानी कि हर एक सुनो ध्यान से समझो, हर एक नंबर के बाद कुछ नया नंबर आएगा, हर एक डिजिट्स के बाद कुछ नया डिजिट्स आएगा, यानी कि अनावृत्ति, 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 ये क्या हो गया, अनावृत्ति 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 अनावृत्ति, राइट, यानी कि आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम कहते हैं अनावृत्ति। ये बात समझ में आ रहा है, ध्यान से समझिए सब लोग। सर जी कल रात को PDF भेजेंगे, बिल्कुल राहुल धीमन, अभी तैयारी शुरू की है तो भी क्या करना है सर हमें? बेटा अभी तैयारी शुरू की है तो पढ़ते रहिए, देखो घबराइए नहीं, आप देखो क्वेश्चंस यूपीएससी में अभी भी बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि क्वेश्चंस पेपर बहुत टफ आया था। मैं अभी भी कह दूँ जो बच्चे मेरे कोर्सेज़ को अच्छे तरीके से किया था, पढ़ा था, चाहे पेड कोर्स लिया था केवल सीसैट का या कोई यूट्यूब से भी देख के किया था, तो मेरे प्यारे बच्चे आराम से जो मेरे बच्चे थे वो 55 से लेकर के आराम से 60 क्वेश्चंस वो ज़रूर अटेम्प्ट करके आया और सॉल्व करके आया और उनका सीसैट क्वालिफाई हो गया। उन्होंने कहा कि सर मैं मानता हूँ क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आया था, लेकिन इतना भी टफ नहीं था कि हम उसको नहीं कर सकते। हाँ सर, 15 से 20 क्वेश्चन ज़रूर टफ लगा मुझे, वही तो मुझे कलाकारी, मुझे आर्ट आपने सिखाया कि मुझे कैसे 80 में से कैसे 40 से 45 50 क्वेश्चंस को चुन करके सॉल्व करके आना है, ताकि फाइनली मेरा 30 से 35 क्वेश्चन मेरा सही हो जाए और मैं सीसैट को क्वालिफाई कर सकूं। तो आपका भी सोच उसी लाइक बनाने के लिए मैं यहाँ पे 3 से 4 दिन आपकी क्लास हिंदी मीडियम में ले रहा हूँ। बट सर मैथ सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था क्वेश्चन, कैसी बातें कर रहे हो नेहा, मैथ सिलेबस के अकॉर्डिंग था बेटा, राइट है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग था मेरे प्यारे बच्चे। अभी भी कह रहा हूँ कितने बच्चे हैं जो जीएस की तैयारी, अभी भी कह रहा हूँ जिसको जीएस की तैयारी अच्छे लेवल की करनी है वो केवल एनसीईआरटी पढ़े, फालतू की चीज़ें पढ़ने के चक्कर में ना पड़े। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, लाइन टू लाइन पढ़ो, पेपर उतना टफ नहीं था सर जी, बस आपका लेक्चर कंप्लीट देखना था। बहुत अच्छा सैयद जुमड़ा, देखो ये लड़की डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, राइट नेहा, मैथ्स आज से हिस्ट्री हुआ है क्या, बिल्कुल ध्यान से समझो। जैसे यहाँ पे देखो, फिर से देखो, जैसे मान लो कि 3.11 के बाद फिर 4.4 के बाद फिर 2.2 के बाद फिर 8.8 के बाद फिर 5.5 के बाद फिर 7.7 के बाद फिर 6.6 के बाद फिर 0.0 के बाद फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 2 फिर 3 फिर 9 फिर 8। देखो हर एक नंबर्स के बाद, डिजिट्स के बाद न्यू डिजिट्स आ रहे हैं। तो जब भी ऐसा हो तो अशांत अनिवृत्ति यानी नॉन टर्मिनेट नॉन रेकरिंग कहलाएगा। जैसे 4.123498765432 1 समथिंग राइट। 5 के बाद 14789823, ये तो सब नया नंबर राइट। जैसे अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालोगे 1.2347 राइट। जैसे अंडर रूट 5 की वैल्यू निकालोगे, अंडर रूट 7 की वैल्यू निकालोगे, अंडर रूट 8 की वैल्यू लिखोगे, ई की वैल्यू लिखोगे, पाई की वैल्यू लिखोगे, ये सब के सब अशांत अनावृत्ति दशमलव में ही आता है राइट। अशांत अनावृत्ति दशमलव में ही आता है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से आराम से नोट डाउन करो, इसका एक फिर अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाओ, आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका प्रैक्टिस करते चले जाओगे और आपको लगेगा कि अरे वाह मज़ा आ गया, अरे वाह मज़ा आ गया। इज इट क्लियर? यूपीएससी का सिलेबस इनको बताओ। सर मेरा स्प्री नहीं हुआ, घर वाले ताने मार रहे हैं। किस लिए ताने मार रहे हैं? शादी के लिए। शादी के लिए ताने मार रहे हैं। घर वालों को बोल दो पापा मम्मी पहले मुझे पढ़ने दो ताकि मैं सेलेक्ट हो जाऊं, तो मैं बेरोज़गार लड़के से शादी करूंगी ताकि उस लड़के का नसीब मेरे साथ चमक जाए राइट। कोई भी लड़कियाँ, मेरा ये मानना है कि अगर लड़कियाँ जॉब में हैं तो शादी बेरोज़गार लड़के से करोगे राइट। ये नहीं, देखो लड़के अगर अच्छे खासे जॉब में आते हैं तो वो मैक्सिमम लड़के करते हैं कि नहीं करते हैं बेरोज़गार लड़की से शादी हैं, तो लड़कियां भी अब बेरोज़गार लड़के से शादी करो। ये नहीं कि मैं आईएएस बन गई तो मैं आईएएस से ही शादी करूँगी, मैं आईपीएस बन गई तो मैं उससे शादी, मैं डॉक्टर हूँ तो मैं डॉक्टर नहीं। बेरोज़गार से शादी करो जिनके पास कोई भी सोर्सेस नहीं है राइट, ताकि उसका आपके साथ बेहतर हो जाए। ओके, इज इट क्लियर? इको फ्रेंडली माहौल में रहो, ठीक है? इज इट क्लियर? अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखो। ये इंटीजर क्या है? इंटीजर उसको कहते हैं, इंटीजर्स को कहते हैं जैसे -3 -2 -1 समथिंग, ये यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इधर इन्फिनिटी तक होता है राइट। इसको नंबर लाइन पे आप शो कर सकते हो, उसको आप इंटीजर कह सकते हो ऐसे राइट। इंटीजर जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होता है वो आपका इंटीजर होता है राइट। वो आपका क्या होता है? इंटीजर होता है, जिसको हम पूर्णांक कहते हैं। ओके, जिसको हम पूर्णांक कहते हैं। अब समझो मेरे प्यारे बच्चे, अब समझो, आपको नई बात बता रहा हूँ। सर गोरखपुर कब आना है? हाँ राइट। देखो सुनो, अब आप इसको ध्यान से देखिए अच्छे तरीके से देखो, ये और ये जो है ये राइट, इसको भी आप बताओ देखो, इसको भी आप P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हो। 2.1 को क्या लिखोगे, 21/100, 1.3 बार का आप इसको भी लिख सकते हो P बाई Q के फॉर्म में, और इंटीजर को तो आप लिख ही सकते हो P बाई Q के फॉर्म में राइट। अब आप मुझे बताओ अशांत अनावृत्ति को आप क्या लिख सकते हो P बटा Q के फॉर्म में, क्या आप इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हो, इसको आप P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आप इसको P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे देखो ये आपका रेशनल नंबर है राइट, रेशनल कहे तो परिमेय संख्या है राइट, ये भी आपका रेशनल नंबर है। अब देखो मैं आपको इसका एक वो बनाता हूँ, देखो क्या अब जो है ना, अब आप यहाँ पे एक लिखो रेशनल नंबर, ध्यान से रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखिए आप इधर इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर इरेशनल अपरिमेय संख्या। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से रेशनल नंबर के अंदर क्या आएगा, रेशनल नंबर के अंदर क्या होगा ये ध्यान से समझना। रेशनल नंबर पहली बात, रेशनल नंबर जो है आपका क्या है, आपका इंटीजर है। देखो ध्यान से रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को आप क्या कर सकते हो, आप इसको P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ Q की वैल्यू जीरो नहीं हो, यानी कि अगर कोई भी संख्या अगर आप जिसको अंश बटे हर के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ हर का मान जीरो, अरे ये क्या हो रहा है, आंधी तूफान हो रहा है क्या, हर का मान जीरो, यार बोला ऐसे क्यों हो रहा है, देखो हर का मान जीरो, नहीं हो, ठीक है, ये ध्यान रखना, हर का मान जीरो नहीं हो ये ध्यान रखना राइट, है ना राइट। इसमें आप जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, यार ये क्यों ऐसा, उधर से हवा आ रहा है क्या, हाँ उधर से हवा, इधर क्यों आ रहा है, गेट बंद करो तो, इस गेट को बंद करो तो डिस्टर्ब कर रहा है, हाँ यार ये भी यार बहुत, एक सेकंड रुकिए मेरे प्यारे बच्चे, बहुत खुजली हो रही है, ठीक है। देखो P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ओके, P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते ओके, P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना। देखो इसमें जो संख्या है जैसे कि इंटीजर एक, इंटीजर का मतलब पूर्णांक, एक परिमेय संख्या है राइट। फिर देखो इसमें फिर आपका डेसिमल नंबर कौन है, डेसिमल नंबर जो है आपका पूर्णांक है राइट, है ना, आपका डेसिमल नंबर जो है आपका पूर्णांक है राइट, है ना, जिसको आप दशमलव संख्या बोलते हैं राइट, दशमलव संख्या राइट, है ना। इसको आप अशांत आवृत्ति बोल रहे थे, ये आपका है राइट। इसमें इरेशनल में आप देखोगे अशांत अनावृत्ति दशमलव, ये आपका इरेशनल नंबर है, और शांत अनावृत्ति ये आपका इरेशनल नंबर है, ये आपका इरेशनल नंबर राइट। इज इट क्लियर? इसके सब बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए, वाइट बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए, वाइट कर दीजिए। क्यों विजिबल नहीं हो रहा है? क्या विजिबल नहीं आ रहा है? क्या किसको विजिबल नहीं आ रहा है? राइट, किसको विजिबल नहीं हो रहा है? किसको विजिबल नहीं हो रहा है? राइट, इतना अच्छा तो विजिबल हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे, राइट, इतना अच्छा तो आपको विजिबल हो रहा है, राइट, इतना अच्छा तो क्लियर है, राइट, हाँ ये क्लियर, राइट। एजिट की बात समझ में आ रही है, राइट। इंटीजर डेसिमल नंबर दशांश, अशांत आवृत्ति दशमलव, अशांत आवृत्ति दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। इसमें हिंदी वाले इंग्लिश वाले बच्चे लिखे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल, राइट 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 राइट। एक्चुअल इसका आप अगर आप एग्जाम्पल अगर आपकी बताऊँ, अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे अंडर रूट 2 की वैल्यू, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, फिर अंडर रूट 4 नहीं होगा, तो अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? 2, 2 के नीचे नहीं कुछ है, इसका मतलब 1 है, 2/1 यानी p/q के फॉर्म में हो गया। ये अंडर रूट 4 जो है ये आपका रेशनल नंबर है, ये आपका रेशनल नंबर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये अंडर रूट 3/5 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, अंडर रूट 8 हो गया, अंडर रूट 10 हो गया, फिर e की वैल्यू हो गया, फिर पाई की वैल्यू हो गया, राइट है। अब देखो जैसे पाई है, राइट, पाई, पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई की वैल्यू क्यों इरेशनल नंबर? क्योंकि पाई की वैल्यू 3.142857 समथिंग 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 होता है, राइट। और इसी चीज़ को देखो, ठीक, 3.14285 इसी चीज़ों को शॉर्ट में लिखने के लिए, शॉर्ट में हम 22/7 लिखते हैं। ये 22/7 जो है ये आपका रेशनल नंबर है, ये आपका परिमेय संख्या है। 22/7 जो है ये आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। 22/7 जो है ये आपका परिमेय संख्या, न्याय यादव, राइट। अगर आपको ये लेक्चर इंग्लिश में देखना है तो CSAT बाय संजय कुमार शाह करो, राइट, है ना। लेट्स क्रैक UPSC CSE चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, या तो मेरे टेलीग्राम में देखना, वहाँ पे मैंने टोटल 13 लेक्चर कराए हैं, और भी लेक्चर करा रहा हूँ, राइट, है ना। आज भी क्लास है, वहाँ पे आप देखोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि देयर विल बी क्लास, जो है वहाँ पर आपको इसी फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा जो फॉर्मेट हमें चाहिए। ओके, NCERT में क्या स्टडी करे सर? ओके, माया वर्मा, वेरी गुड वेरी गुड। नेहा धनकर कह रही आप बोले मैथ पढ़ाते हो सर? नहीं बेटा, मैथ्स रीजनिंग कॉम्प्रीहेंशन DI CSAT इंग्लिश, राइट, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। ओके, इज इट क्लियर? ये बात आई होप मुझे लग रहा है कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा, बेहतर तरीके से आप समझ चुके होंगे, बेहतर तरीके से आप समझ चुके होंगे, राइट, है ना, अच्छे तरीके से। देखो अब देखो मैं इसी को देखो मैं बताता हूँ, अब देखो मैं कितना सिस्टमैटिक, इतना सिस्टमैटिक से आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, राइट, किसी बुक में नहीं मिलेगा, राइट। जो आपकी वास्तविक संख्या है, राइट, यानी कि जो रियल नंबर है, जो आपकी वास्तविक संख्या है, राइट, जो आपका रियल नंबर है, राइट, रियल नंबर है, राइट, है ना। इसको फर्दर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो हमने डिवाइड किया रेशनल, रेशनल बोले तो परिमेय, राइट, है ना, परिमेय, राइट, है ना। और हमने इसको डिवाइड किया इरेशनल, राइट, किस में डिवाइड किया? इरेशनल। इरेशनल बताएं तो हम बताते हैं अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, राइट, अपरिमेय संख्या, राइट। रेशनल यानी परिमेय, इरेशनल यानी कि अपरिमेय, राइट, परिमेय, राइट। अब देखो इसी रेशनल के अंदर ही, रेशनल के अंदर ही एक होता है आपका इंटीजर, याद करो अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना इंटीजर, राइट। और इसी के अंदर एक होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो होता है आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बोले तो भिन्न, एक्चुअली फ्रैक्शन या भिन्न किसको कहते हैं? देखो इंटीजर, इंटीजर तो आपको पता चल गया, इंटीजर का मतलब यानी कि जो -∞ से लेकर के +∞ तक के बीच में हो, यानी कि इधर 0 1 -1 -2 -3, इधर 0 1 2 3 4 5, राइट, इस तरीके से हो। आप आराम से ध्यान से देखो, आराम से, राइट। अब देखो इंटीजर जो है, आप इंटीजर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, राइट, है ना। इसी इंटीजर को आप 3 पार्ट्स में, राइट, इंटीजर, राइट, एक को जिसको आप बांट सकते हो पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान देखिएगा पॉजिटिव इंटीजर, इसको आप कर सकते हो जीरो इंटीजर, इसको आप कर सकते हो नेगेटिव इंटीजर, राइट, ओके, जो है ये है आपका जो पॉजिटिव इंटीजर है, राइट, है ना, ये है आपका धनात्मक पूर्णांक, राइट, ये है आपका शून्य पूर्णांक, ये है आपका शून्य पूर्णांक। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक पूर्णांक, पता है ना, इंटीजर को मतलब इंटीजर का, जैसे ये देखो इंटीजर 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3। तो भाई पॉजिटिव इंटीजर में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ध्यान से समझो, जीरो पूर्णांक में केवल और केवल आपका जीरो हो जाएगा। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 ऐसे डैश - इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको नोट डाउन करो। अब आपको समझ में आ रहा है भाई, आराम से पढ़ो। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन SKS10। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन SKS10। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है, इज इट क्लियर? सभी लोग सेशंस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ओके, ताकि बहुत सारे बच्चे इस सेशंस को अच्छे तरीके से देख सकें और इस पैटर्न पर क्लास को अच्छे तरीके से कर सकता है, राइट, है ना, ताकि उनको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट्स ना हो, राइट, ओके, राइट। अब देखो, जो मैंने आपको रेशनल बताया था, रेशनल के अंदर इंटीजर आता है, तो रेशनल के अंदर पॉजिटिव इंटीजर भी आ रहा है, जीरो इंटीजर भी आ रहा है, नेगेटिव इंटीजर भी आ रहा है। तो एक रेशनल नंबर का जो कॉलम बताया था वहाँ पे लिख लो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और आपका जीरो इंटीजर, इसको लिख लो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, अब देखो, ध्यान से देखो, एक पॉइंट और बता रहा हूँ सभी लोगों, ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ना, राइट, इसी को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर बोले तो प्राकृत संख्या, हम क्या बोले, हम इसको क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या, राइट, और अगर आप जीरो इसमें मिला दोगे तो वो आपका होल नंबर हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लो, जैसे कि अब देखो मैं आपको बताता हूँ, राइट, देखो, यानी कि जो आपका इंटीजर है, इंटीजर जो है, एक होता है आपका प्राकृत संख्या जिसको आप धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जिसको आप धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हो, राइट। प्राकृत संख्या का मतलब 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी, राइट। और एक होता है आपका पूर्ण संख्या, देखो पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या में अंतर है, राइट, जिसको होल नंबर कहते हैं। ये क्या होगा, ये होगा शून्य पूर्णांक प्लस धनात्मक पूर्णांक जैसे कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये भी आप, जब ये रेशनल नंबर में आएगा तो ये भी रेशनल में आएगा, ये भी रेशनल आएगा, राइट, ये भी रेशनल। कहाँ गया? इज इट क्लियर? मेरी बात सबको समझ में आ रही है? सभी लोग सेशंस को लाइक और शेयर करो, राइट, ओके। इज इट क्लियर? सभी लोग आराम से, राइट। देखो सेशंस को बार बार देखो ताकि आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो सके, राइट, पर्टिकुलर इस टॉपिक में। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही अलग टॉपिक है, राइट। इतना सिस्टमेटिक और इतना सिंक्रोनाइज क्लास आपको नंबर सिस्टम में कहीं नहीं मिलेगा। मैं पहले ही बता दूं, नंबर सिस्टम के ऊपर आपकी क्लासेस बहुत ज़्यादा मिलेगी, राइट, है ना, राइट, ताकि अगर आप सीरियस हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ भी करने की कोई भी ज़रूरत पड़ेगी, राइट। आराम से सीरियस तरीके से आप इसको फोकस करते चलो, पढ़ते चलो, राइट। टेलीग्राम को ज्वाइन करना हो नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पर सर्च करो संजय कुमार शाह चैनल, फिर आप वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लोगे। अभी सर्च करो और ज्वाइन करो, राइट, ओके 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 और इज इट क्लियर? यस या नो? ये बात सबको समझ में आ रही है? आई होप, मुझे लग रहा है कि शायद ये बातें सभी को समझ में आ रहा होगा, राइट, है ना, सभी को समझ। देखो अब देखो, ये नेचुरल, इस पर ध्यान दो, राइट, राइट, इस पर ध्यान दो। ये वाली बात यहाँ की प्राकृत संख्या, राइट है ना। अब देखो सारा का सारा गेम जो है मेरे प्यारे बच्चे वो जो है वो है आपके प्राकृत संख्या के ऊपर है। प्राकृत संख्या जो होता है, प्राकृत संख्या क्या होती है, देखो पहली बात प्राकृत संख्या को तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक प्राकृत संख्या आपका एक होता है, एक प्राकृत संख्या आपको अभाज्य संख्या होता है। क्या होता है अभाज्य संख्या, जिसको हम प्राइम नंबर भी कहते हैं यार, जिसको हम लोग प्राइम नंबर भी कहते हैं, राइट। एक होता है आपका सह अभाज्य संख्या, राइट, जिसको हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं, राइट, जिसको हम सभी लोग कंपोजिट नंबर भी कहते हैं, राइट। आपका अभाज्य संख्या 1 सौ अभाज्य संख्या, राइट है ना, प्राइम नंबर, राइट। पीडीएफ नहीं मिलता है टेलीग्राम पे, गाइज स्पैमिंग करना बंद कर दीजिए प्लीज़। हाँ देखो पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो बेहतर होगा, नहीं पढ़ोगे तो भाई इससे कोई किसी का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी चक्कर में नहीं रहो, ठीक है। तो भाई इसको जो है ना हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ये वाला जो डिटेल है ये वाला आपका नेक्स्ट क्लास में होगा, राइट। इसी प्राकृत के संख्या के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होती है आपका सम संख्या और एक होती है आपका विषम संख्या, राइट है ना। अब आपका जो अगला जो क्लास होगा, देखो अगला जो क्लास होगा वो आपका मंगलवार को होगा। कब होगा? मंगलवार को क्लास होगा। सभी लोग ऐसे ही लाइव देखना, रिकॉर्डेड देखना बंद करिए, ये ध्यान रखिएगा, राइट। रिकॉर्डेड देखना बंद कीजिए, इसको आप अच्छे तरीके से फोकस करो। अगर सोमवार को होने की संभावना होगी तो मैं बताऊंगा, बस 3:30 बजे अभी से अपनी डायरी बना लो, अपनी नोटबुक बना लो। देखो इस तरीके से नोटबुक बनाना है सभी बच्चे, देखिए इस तरीके से आपको नोटबुक बनाना है। अरे यार ये कहाँ गया, इसको पकड़ो सभी लोग। देखो इस तरीके से आपको नोटबुक बनाना है, देख लो सभी लोग, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है। इस तरीके से आप लोग अपना अपना नोटबुक बना लीजिए ताकि बेहतर आप कर सको, राइट है ना। अच्छे तरीके से आप सभी लोग प्रैक्टिस कर सको, राइट, अच्छे तरीके से आप सभी लोग प्रैक्टिस कर सको। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जितना आपको कराया वहाँ तक प्रैक्टिस करो, राइट है ना। सम संख्या का मतलब होता है जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, राइट। इसका अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, बस। इसमें देखो ये हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा, यहाँ से यूपीएससी बार-बार क्वेश्चन पूछती है। इसमें हमें कम से कम नहीं तो मुझे 1 घंटा 2 घंटा मुझे कम से कम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? ये तो मेरा फर्स्ट है। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, राइट है ना, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करो, राइट है ना, राइट। हाँ टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लिए, CSAT बाय संजय कुमार शाह टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए, राइट। मैं अभी भी बार-बार आप सभी को कहना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप अच्छे तरीके से फोकस करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप कीजिए, राइट ओके, ताकि आपसे ये सेशन बिल्कुल ही ना छूटे, राइट है ना। और जो भी बच्चा ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा है अनअकैडमी को, तो इस कोड को यूज करें, आज लास्ट डेट है, ताकि आपको डिस्काउंट मिलेगा। मेरे साथ पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट जब तक कि आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो। कितना घंटा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपकी क्या टाइम टेबल होना चाहिए, एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, कौन सी क्लास का बुक्स पढ़ोगे, मेंस के लिए आप किस तरीके से करोगे, जितना मुझे नॉलेज है, राइट, जिस तरीके से हमने कुछ किया अपने लाइफ में उतना मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ताकि आप भी अपने लाइफ में बेहतर तरीके से कर सकें। जो एक IITN का जो एक अप्रोच होगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन सीरियस बच्चे ही ज़रूर ज्वाइन करना, जो बहुत सीरियस हो। वही मेरा रेफरल कोड SKS10 कोड का यूज करिए, बात कर सकते, ज्वाइन करने से पहले हो सकता है तो आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोले आपको कि नहीं, आप बिल्कुल एजुकेटर से बात करके आप रेफरल कोड को यूज कर सकते हो, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मेरे कोड को यूज करते आप बात भी कर सकते हैं, आपको बेनिफिशियल हो। नहीं तो अनअकैडमी से कोई भी कॉल आता है उनको बताएं इसी कोड का यूज करना है SKS10, ताकि मैं ज्वाइन कर सकूँ। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? नोट्स बनाया सबने? कितने पेज का नोट्स बना बताओ? रात को 10 बजे क्लास है, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, राइट। CSAT बाय संजय कुमार शाह, कहीं नहीं CSAT को लेकर अब आपको नहीं फरफराना ना घबराना, सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, कहीं और नहीं आपको जाना है, बस चुपचाप यहाँ पे पढ़ना है। सर टेलीग्राम पे हिंदी मीडियम क्वेश्चंस नहीं डालते, हिंदी मीडियम क्वेश्चंस के अनु बट सर फीस बहुत हाई है, आई कांट अफोर्ड। श्वेता कुमारी मत करो ना, क्या दिक्कत है, ज़्यादा है तो मत ज्वाइन करो, आराम से पढ़ो फ्री में, राइट है ना। अगर आपके पास टाइम है तो, है ना, टेंशन नहीं लो। और कुछ, और किसी को कुछ पूछना? अवधेश निषाद, राइट, वेरी गुड सर टेलीग्राम पर लिंक नहीं मिल रहा। टेलीग्राम का लिंक नहीं मिलेगा, CSAT बाय संजय कुमार शाह जाके टेलीग्राम में लिखो ना, टेलीग्राम निकालो, CSAT संजय कुमार SHAH 9,500 प्लस होंगे, 10,000 के आसपास होंगे, या हो सकता है कि आप ज्वाइन करें तो सकता है 10,000 प्लस दिख जाए। प्रीवियस लिंक देख करके ज्वाइन कर लो। ओके 10 बजे की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज। ओके हिंदी का क्वेश्चंस भी सर ज्योति शर्मा राइट। ओके सर लिख दिया ना ही मिल रहा है सर, हेल्प कर दो। किस चीज़ की? नेहा सी सर ठीक है सर। आपकी टेलीग्राम लिंक जिसके पास है वो सर्च कर दी। मैंने बोला या तो यूट्यूब पे सर्च करो ना, संजय कुमार शाह चैनल, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इसका ध्यान रखना, जिसको भी चाहिए आप जरूर कनेक्टिविटी कर सकते हो। अभी लास्ट डेट है राइट, इस ऑफर का लास्ट डेट है। 50% डिस्काउंट चल रहा है, 50% डिस्काउंट। यही फी अगर ऑफलाइन में जाओगे तो करीब 2 लाख के आसपास आपका फी लगेगा। रहने खाने का खर्चा आपका कम से कम महीने का 20 से 22,000 रुपये होगा राइट। लेकिन जो चीज़ वहाँ भी बच्चे, यहाँ भी राजेंद्र नगर करोल भाई, यहाँ दिल्ली भी आकर के बच्चे अनअकैडमी से बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको जहाँ हो वहीं, बस आपके लिए सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, घर बैठ के पढ़ना, एक सपोर्ट हैंड होल्डिंग सपोर्ट होना चाहिए, मेंटर्स होना चाहिए, कोच होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। या तो सी, हाँ बिल्कुल भी बहुत अच्छा ज्योति शर्मा, बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।